नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोऽथ करी च विद्या सड़जीव लोकस्य सुखा विराजन। जय माता की। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हमारी चर्चा राजयोगों को लेकर चल रही है, उसी श्रृंखला में पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सबके समक्ष मालव्य योग को लेकर। कैसे बनता है यह राजयोग, इसके विषय में आप सबने बहुत सुना होगा। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन्होंने पंच महापुरुष योगों के विषय में जरूर सुना होगा। पंच महापुरुष योगों के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन क्या पूर्ण रूप से उसके फल और उसके विषय में जान पाए हैं? आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे बनता है यह मालव्य योग, शुक्र से बनने वाला एक उच्च कोटि का महान राजयोग। उससे पूर्व हम इस श्लोक का तात्पर्य जान लेते हैं। शास्त्र कहता है अर्थागमो नित्य आरोगिताचा। अर्थ कैसा होना चाहिए, धन कैसा होना चाहिए, डेली बेसिस पे आने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीने के अंत में एक बार सैलरी मिली और महीने के शुरुआत के 5 दिनों में ही वह पूर्ण हो गई। आरोगिताचा, शरीर कैसा होना चाहिए, आरोग्य होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा बड़ा रोग ना हो जिसके कारण, जिस व्याधि के कारण आप पूर्ण रूप से परेशान रहते हो, सिर्फ उसी के शोक दुख में लगे रहते हो। अर्थागमो नित्य आरोगिताचा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। और पत्नी कैसी होनी चाहिए और पति कैसा होना चाहिए, अगर स्त्री है तो पुरुष को मान लें और पुरुष है तो स्त्री को मान लें। पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो प्रिय हो, पति की प्रिय हो, और प्रिय भी कैसी, प्रिय बोलने वाली प्रिया हो। वशिष्य पुत्रो थकरी च विद्या, और पुत्र कैसा होना चाहिए, पुत्री कैसी होनी चाहिए, जो वश में हो, जो माता पिता का कहना माने, उनकी बात का अनुकरण करे, उनके बताए हुए मार्ग पर चले, ऐसे पुत्र और पुत्री होने चाहिए। वशिष्य पुत्रो थकरी च विद्या, और विद्या आपने कैसी पढ़ी होनी चाहिए जो आपको अर्थ कमा के दे सके। अब ये नहीं कि आपने पढ़ा कुछ और है और आप किसी और सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो वो आपकी पढ़ी हुई विद्या आपके जीवन के 12 मुख्य साल जो आपने अपने जीवन में दिए थे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो विद्या ऐसी पढ़ी होनी चाहिए जो आपको आगे चलकर आपकी जीवनचर्या, आपकी आरोग्यता और आपकी जीवन की धन धान्य को कमाने में मदद करें, धन को कमाने में मदद करें। तो आशा करता हूँ ये ज्ञान आपके काम आएगा। और यही जो 6 तरह के सुख होते हैं, इनकी चाह हर मनुष्य को होती है। सड़जीव लोकस्य सुखा विराजन, क्या कमाल का नीति शास्त्र है हमारा, हर चीज का उत्तर दिया हुआ है इसमें। किसी भी विषय पर आप चर्चा कर लीजिए, उसका उत्तर पहले से ही इन ग्रंथों में दिया हुआ है। तो आइए चर्चा करते हैं मालव्य योग के विषय में। आखिर क्या है मालव्य योग, कैसे बनता है ये योग, क्या सिर्फ शुक्र के कारण ही बनता है ये योग, शुक्र से बनने वाला उच्च कोटि का महान राजयोग मालव्य योग। शास्त्र कहता है कि अगर किसी भी जन्म कुंडली में शुक्र अपनी राशि में, वृषभ राशि में, तुला राशि में, या अपने उच्च की राशि में, मीन राशि में केंद्रस्थ हो जाए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केंद्र के घर ये होते हैं 1, 4, 7 और 10। इन 4 ग्रहों को केंद्र के घर कहा गया है और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ये मुख्य घर होते हैं कुंडली में, इनसे आपके जीवन की ज्यादातर मुख्य घटनाओं का विचार किया जाता है। तो अगर शुक्र जन्म कुंडली में इस भाव में तुला राशि में हो, इस भाव में वृषभ राशि में हो, या जो मैंने अभी आपको राशियां बताई हैं उनमें केंद्र में बैठा हो, स्वक्षेत्री होकर, स्वक्षेत्री का तात्पर्य अपने राशि का, उच्च का होकर अर्थात मीन राशि का, और मित्र राशि में नहीं बनता है, अपनी राशि का हो, उच्च राशि का हो, तो मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण होता है। अब इस कुंडली पे हम देख लेते हैं, इस कुंडली में मालव्य योग बन रहा है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है। इस विषय में आप अपने आप ही देख सकते हैं कि इसके प्रभाव से व्यक्ति में कौन कौन से गुण आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्व संपत्तिवान थे, जन्म से ही बहुत धनवान थे। तुला राशि में शुक्र अपनी ही राशि में बैठे हैं केंद्रस्थ होकर, जिससे वो उच्च कोटि के विद्वान धनवान हुए, नृत्य संगीत कला इन सब चीजों के शौकीन हुए। जिसकी भी कुंडली में शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग लगाकर बैठा होगा वह व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान, विद्वान होगा, शास्त्र कला में निपुण होगा, नाक कुछ लंबी होगी, चेहरा बहुत सुंदर होता है ऐसे व्यक्ति का। इनकी कुंडली में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में शुक्र और बुध चतुर्थ में थे, जिस कारण से
चतुर्थ जनता का भी घर होता है, जिससे इन्हें जनता से बहुत प्रेम मिला। कई बार इनकी गलतियों को भी माफ कर दिया गया इसी कारण से, क्योंकि शुक्र और बुध का चतुर्थ में होना व्यक्ति में एक आकर्षण पैदा करता है। आप चाह कर भी उसकी बात को टाल नहीं सकते हैं, और आप इनके विषय में अपने आप ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो मैंने बताया वो सारे गुण इनके अंदर विराजमान थे। मालव्य योग का ही प्रभाव था ये, जो ये उच्च कोटि के विद्वान बने। महात्मा गांधी की कुंडली में भी यह महापुरुष योग था, उनकी कुंडली में लगन में ही था यह महापुरुष योग। इस योग के प्रभाव से जातक यशस्वी, बुद्धिमान, सर्व संपत्तिवान, पुत्र पुत्री आदि, पति पत्नी, इन सब सुखों से युक्त होता है। और साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति नृत्य, संगीत, कला, इन सब चीजों का विशेष शौकीन होता है, और इन क्षेत्रों में अगर जाए तो विशेष सफलता भी हासिल करता है। आने वाली वीडियोस में जब मैं जन्म कुंडली अध्ययन इस एक प्रोग्राम के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उसमें देखेंगे कि कैसे जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनकी कुंडली में कौन से वो योग थे जिनके कारण वो इतने उच्च पदस्थ हुए। तो आज हमने जाना मालव्य योग के बारे में, कैसा कैसे बनता है ये योग, क्या होता है इसका फल। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में मालव्य योग बन रहा है तो आप भी सर्व संपत्तिवान अवश्य होंगे अपने जीवन में। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। जय माता दी।